हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरती किचन 7 में। आज हम बनाने वाले हैं नाश्ते में गोभी के पराठे। गोभी के पराठे बनाना बहुत ही आसान है। आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं या फिर आप इन्हें सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शन है। तो पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर गोभी लिया है और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और 2-3 बार पानी से अच्छे से धुल भी लिया है। तो गोभी के हमने थोड़े बड़े बड़े पीस रखे हैं क्योंकि हमें गोभी को कद्दूकस करना है। तो सारी गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है और एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी बारीक चॉप कर लिए हैं। 2 हरी मिर्चें बारीक कट कर ली हैं और 5-6 कलियाँ लहसुन के लिए थे उनको भी हमने कट कर लिया है। थोड़ा सा अदरक भी ग्रेट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हमने 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, उसमें 1 चम्मच डाल देंगे अजवाइन, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और 1/2 चम्मच से भी कम नमक डाले हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को मुलायम गूंथ लेंगे। सख्त आटा हमें नहीं गूंथ कर तैयार करना है, नहीं तो हमारे पराठे जो है बेलते समय फटेंगे। तो एकदम मुलायम आटा हमने गूंथ लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे कोई भी ऑयल, घी आप डाल सकते हैं, हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसे आटे को मसल देंगे, अच्छे से चिकना कर लेंगे, इससे आटा हमारा जो है और मुलायम हो जाएगा। तो 1-2 मिनट तक हम अच्छे से मसल कर इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक चलिए हम पराठों के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और अब हम इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सूखी हुई धनिया। तो धनिया को हमने 2 टुकड़ों में क्रश कर लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया स्टफिंग में फ्लेवर आएगा। उसके बाद 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर डाला था जीरा। जीरा चटकने के बाद डाल देंगे लहसुन और लहसुन को हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद डाल देंगे अदरक, अदरक को भी हम हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा कच्चापन ख़त्म करना है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ग्रेट की हुई गोभी। तो गोभी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सभी मसालों में गोभी को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम धीरे धीरे गोभी को पकने देंगे। साथ ही डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे धीमी धीमी आँच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि गोभी का एक्स्ट्रा पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो जब तक गोभी हमारी पक रही है हम इधर मसाला निकाल लेते हैं। तो 2 चम्मच हम यहाँ पर मिक्स मसाला लिए हैं, इसको हमने घर पर ही बनाया है। इस मसाले को बनाने के लिए जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च को तवे पर हल्का सा भून लेना है। उसके बाद नमक और 4-5 कलियाँ लहसुन डालकर इसे हम बारीक पीस लेंगे और हमारा टेस्टी मसाला बनकर तैयार हो गया है। इस मसाले को आप कचौड़ियाँ बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोभी को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम इसमें जो मसाले निकाले थे उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला मिक्स करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक और पका लेंगे। तो धीमी धीमी आंच पर हम गोभी को थोड़ा सा भून लेंगे, इससे हमारे पराठे और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं हमारी स्टफिंग को भूनते हुए और अभी हमारी स्टफिंग बढ़िया से भून चुकी है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप इसमें अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। तो स्टफिंग को हमने निकाल लिया है एक प्लेट में और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम अपने आटे की लोइयां बना लेते हैं। और आटा हमारा थोड़ी देर में अच्छे से फूल चुका है, बहुत ही मुलायम हो गया है। तो इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी सी हम लोइयां तोड़ेंगे। तो नॉर्मल रोटी जैसे हम बनाते हैं उसे थोड़ा बड़ी लोई हम बनाएंगे। तो लोई को हम गोल गोल शेप में अच्छे से बना लेते हैं। तो सारी लोइयों को हमने फटाफट से इसी तरीके से बना लिया है और अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सारे लोइयों को हमने रख दिया है एक बर्तन में और थोड़ा सा सूखा आटा हाथों में लगा के किनारों से लोई को हम पतला करेंगे और बीच से मोटा ही रहने देंगे। तो इसे हम अंदर तक गहराई में कर लेंगे, कटोरी जैसा बना लेंगे। उसके बाद हम बीच में रखेंगे स्टफिंग। तो अच्छे से हम फिलिंग को दबाते हुए सेट कर लेंगे ताकि बाहर ना निकले। और उसके बाद में हम चारों तरफ से अच्छे से लॉक कर देंगे आटे को। बहुत ही आसान है पराठे बनाना। तो पराठा एक हमने भरकर तैयार कर लिया है और इसे हाथों से अच्छे से दबाते हुए फैला लेंगे।
उसके बाद हम लोई में अच्छे से सूखा आटा लगाएंगे, इसे बेलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और सूखा आटा लगाकर हम अच्छे से बेलेंगे हल्के हाथों से। तो पराठे को हमने बढ़िया से बेल लिया है और ये थोड़ा सा फट गया है, लेकिन हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो गैस पर हमने पहले ही तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। पराठे को तवे पर डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम पराठे को नहीं बनाएंगे, नहीं तो पराठे जो है जल जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हमारा पराठा एक तरफ से थोड़ा सा सिक गया था, तो हम पलट देंगे। सिके हुए ऊपर की तरफ हम लगाएंगे तेल। तो अगर आपको घी पसंद है तो आप घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगाया है और इसे उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन होने तक सेंक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा एक बार ये गोभी वाले पराठे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक पराठे को हमने अच्छे से सेंक लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में और इसी तरीके से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी सारे पराठे हमारे बन चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में, आप लोग देख सकते हैं। इसे आप टोमेटो केचप के साथ या फिर ग्रीन चिली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इन पराठों को सुबह के नाश्ते में चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो, या फिर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी इन्हें बना सकते हो। तो एक पराठा हम आपको तोड़कर दिखा दे रहे हैं, ये बहुत ही नरम बना है और अंदर तक अच्छे से फिलिंग भी हुई है। तो देखने में हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही चटपटी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।